it down. Very good. One. Down, down, down. Hold. Very good. Come on. Do it, do it, do it. One. राम बनाए जोड़ी मिया बच्चा बीवी बुड्ढी क्या हुआ शेखर? अब कुछ नहीं. अच्छा डेट क्या है आज? 30 जुलाई. क्यों? अब छोड़ो ना, चलो ना, एक सेट और करते हैं पुशअप्स का. नहीं मेरा मन नहीं है, तुम जाओ, मैं थोड़ा जॉगिंग करके आती हूँ. अरे ऐसे कौन करता है? मैं. वैसे तुम तो ऐसे डर गए जैसे किसी और का इंतजार था तुम्हें. था तो मैडम और शेखर सर का. कभी भी आ जाएंगे घर और ऐसे देख लिया ना हमें तो छुट्टी कर देंगे हमारी. वो आंटी वो भी नहीं आने वाली, वो अपने छोटे से पति के साथ जॉगिंग कर रही है. नहीं आने वाली. धीरज ये शेखर सर भी कितने पागल है ना, मतलब कितने गुड लुकिंग है, यंग है और पसंद आई तो आंटी. कोई भी सुंदर सी लड़की मिल सकती थी उनको, पर वो कहते हैं ना दिलाया गधी पे तो परी क्या चीज है. प्यार नहीं पगली, पैसा. पैसा ही तो है जो सब कुछ करवा रहा है, वरना शेखर जैसा हैंडसम लड़का अपनी मैडम जैसे बुढ़ी औरत को प्यार करेगा? ये तो तुम सही कह रहे हो. धीरज सब बातों से अगर पेट भर गया हो, चलो जाओ गाड़ी निकालो. जी सर. मैं तैयार होके आता हूँ. ठीक है सर. ये लीजिए. थैंक यू. आप जॉगिंग करके काफी थक गए होंगे ना, अब मसाज कर दूं मैं? लाइक अच्छा लगेगा आपको. ये क्या कर रही तुम, पागल हो गई हो क्या? देखो अगली बार ऐसे बदतमीजी मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझे? लेकिन मैं तो कुछ नहीं सुनना है मुझे. और चलो जाओ जाओ नाश्ता बनाओ. क्या हुआ शिखर? कुछ नहीं. रितु मेरे स्प्राउट्स और प्रोटीन शेक लेकर आओ. मैडम वो स्प्राउट्स तो मैं भूल गई. भूल गई मतलब? कई दिनों से देख रही हूं, हर दूसरे दिन का नाटक हो गया तुम्हारा. कभी कुछ भूल जाती हो कभी कुछ. काम चोर हो गई हो. अगर 10 मिनट के अंदर मुझे मेरे स्प्राउट्स और प्रोटीन शेक नहीं मिला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? जाओ. हाँ नवीन क्या हुआ? यार भाई मेरा नेहा से ब्रेकअप हो गया है, मैं बहुत परेशान हूँ. अरे उसे पता चल गया कि मैं मैरिड हूँ. ब्रेकअप हो गया? चल देर आए दुरुस्त आए, गुड डिसीजन. यहाँ मेरी लगी पड़ी और तुझे पहलियाँ सूझ रही हैं, है? तेरे लिए नहीं था, मैं नेहा की बात कर रहा हूँ. क्या मतलब? अच्छा बेटा टांग खींच रहा है मेरी, कल ऑफिस मिल तुझे बताता हूँ मैं. साला कमीना. क्या बात है साहब, आज बड़े खुश लग रहे हो, कोई स्पेशल बात? हाँ है तो स्पेशल, पर तुझे नहीं बताऊंगा. गाड़ी चला,
साहब एक बात पूछूं? हाँ पूछ। आप इतने हैंडसम हो, अच्छी खासी जॉब भी है, अच्छा खासा कमा लेते हो, फिर कल्पना में हमसे शादी क्यों? मेरा मतलब उनकी उम्र देखो और आपकी कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया एज गैप अब दोनों के बीच? अपने काम से काम मतलब रख और ज्यादा पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। कल्पना ठीक कहती है, तुम लोग का ना दिमाग खराब हो गया है, जब देखो बकवास करते रहते हो। सॉरी साहब, सॉरी, वो मेरे मुंह से निकल गया था। अरे जल्दी आओ, इसे छुपा दो और जब कहूंगा ना तभी देना। कल्पना, कल्पना, क्या हुआ शेखर, क्यों चिल्ला रहे हो? चलो अपने आंखें बंद करो। क्यों? अरे करो ना प्लीज। मैं आंखें बंद नहीं कर रही, तुम्हें जो बोलना है बोलो। प्लीज ना, मेरे लिए सिर्फ एक बार, प्लीज 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 प्लीज। ओके बोलो। बस दो सेकंड। हाँ जान का बर्थडे कैसे भूल सकता हूँ मैं? तो सुबह विश करना चाहिए था ना, पूरा दिन भर मेरा मूड ऑफ था, मुझे लगा कि तुम मेरा बर्थडे भूल गए। अरे वो सब नाटक था, सरप्राइज भी तो देना था। कैसे, कैसा गिफ्ट? बहुत सुंदर है, अब लाए हो तो पहना भी दो। हाँ सॉरी। I love you. I love you too. वैसे एक और सरप्राइज है मेरे पास। अच्छा, वो क्या? उसके लिए तुम्हें रूम में चलना पड़ेगा।
होंगी। खुश तो हो ना? बहुत। I love you. I love you too. वैसे किस सोच में डूबी हो? मैं सोच रही थी कि हम रितु को चेंज कर दें क्या? बहुत इरिटेट करती है, हर बार कुछ ना कुछ भूल ही जाती है। सारी मेड एक जैसी ही होती है, और क्या गारंटी है कि दूसरी मेड आएगी तो ऐसी नहीं होगी? तुम तो घर में बैठे बैठे इरिटेट हो जाती हो, मुझसे पूछो कितना झेलना पड़ता है उस धीरज को। आज तो एक्सीडेंट होते होते बचा है। क्या? हाँ, ड्राइव करते करते फोन पे बात करता है, इतना समझाता हूँ पर समझते नहीं है। चलता है ये सब, तुम ये सब मत सोचो, फिर मैं हूँ मेरे बारे में सोचो। यार एक किस दे देना मुझे प्लीज, कितना तड़पाई प्लीज। एक किस। हटो उधर मुझे। क्या हुआ, इतना तंतना गाय रही हो? एक किस ही तो मांग रहे हैं ना? ठीक है नहीं देना मत दो, लेकिन हुआ क्या है? मैडम की गाली पड़ गई क्या फिर से? बकवास बंद करो अपने, तू जैसे रोज का ही हो गया, जब से शादी हुई ना बुढ़िया पगला सी गई है। नए नए शौक पालना शुरू कर दिए, उसे लगता है कि ऐसे स्प्राउट्स खा के हाँ शेक पी के बेचारी वो तो 16 साल की कुंवारी लड़की बन जाएगी। पागल बुढ़िया। सच बताऊं तो मुझे बस शेखर सर के लिए बुरा लगता है। क्यों? बेचारे रोमांस कैसे करते होंगे? अरे बहुत अच्छे से करते हैं। हाँ? हाँ? ऐसे ही थोड़े ना खुश है साहब से। तू कुछ नहीं जानती, मुझे सब पता है। अच्छा और क्या, लेकिन प्रॉब्लम तो 10-15 साल बाद होगी। वो क्यों? जब मैडम 60 साल की हो जाएंगी। तुझे पता लोग इन दोनों को देख के कहेंगे देखो माँ बेटा जा रहे। अरे वो तो अभी भी बोलते हैं। हाँ? और क्या, लेकिन तू सोचना रोमांस कैसे करेंगे बुढ़ापे में। सोच साहब का मन किया रोमांस करने का, वो मैडम को किस करने जा रहे हैं, लेकिन मैडम उनको रोक के बोलती है मुंह में सबने नकली दांत निकाल के, प्लीज मुझे यहीं पे पूरे मूड की अच्छी तरह हो जाएगी साहब की। तुम्हारी बकवास, बहुत जबान चलने लगी तुम दोनों। अगर आइंदा ऐसी बकवास की ना तो काम से निकाल दूंगा, और वैसे भी कमी नहीं है ड्राइवर और मिट की। चल देखो पक 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 चल। इधर देख के तो बोला कर। हाँ तो क्या हुआ, ठीक है ना, निकाल देगा निकाल देने दे। और क्या बोल रहा, नौकरों की कमी नहीं है तो हमें कौन सी नौकरियों की कमी है? यूं यूं मिल जाएगी बाहर नौकरी, तो बस मुझे किस दे जल्दी से। अरे किस? अच्छा ठीक है दे दूंगी, पहले बताओ कितना चाहते हो मुझे? अपनी जान से भी ज्यादा, बस तू समझती नहीं हमारे प्यार को। अच्छा तो बताओ क्या कर सकते हो मेरे लिए? मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, बस तू एक बार चाहत पूरी कर दे मेरी। ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कौन सा काम? इधर। तू पागल हो गई है? बड़ी बड़ी बातें, प्यार करता हूँ। हाँ अपने अगर चाहते पूरी करनी है ना तो पहले मेरा ये काम करना होगा, सोच लो। ठीक है कर दूंगा काम, लेकिन पहले मुझे एडवांस चाहिए। तो चलो रूम में देती हूँ एडवांस। Thank you.
अरे नहीं यार, कोई पार्टी वार्टी नहीं। हाँ, शेखर की वजह से पूरा दिन मूड खराब था, उसे सरप्राइज देना था। हाँ हाँ, मुझे लगा कि वो मेरा बर्थडे भूल गया। आई एम वेरी लकी यार कि मुझे शेखर की जैसा एक लाइफ पार्टनर मिला है। अच्छा दिव्या, मैं 2 मिनट में कॉल बैक करती हूँ। हाँ बाय। मुझे नहीं पता, मतलब घर में रहती हो कहीं और? घर में क्या होता है और क्या नहीं तुम्हें कुछ पता ही नहीं होता है? इतनी लापरवाह हो अपने काम को लेकर? तुम्हें पता है अगर मैं इसे छू लेती तो मैं मर जाती। सॉरी मैडम। क्या सॉरी, गलती करती हो और उसके बाद माफी मांगती हो, यही लगा हुआ है तुम्हारा? क्या हुआ बेबी, पर क्यों भड़क रही हो? उसमें जान लेना चाहती है मेरी। ये देखो वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा था और ये स्टैचू के यहाँ पे रखा हुआ था, अगर गलती से मैं स्टैचू को टच कर लेती ना तो मैं कब की ऊपर चली गई होती। थैंक गॉड तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना। रितु, हद होती है लापरवाही की। देखो मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन ऐसी लापरवाही नहीं। और ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, आइंदा से अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो जाओ अपना काम करो। तुम ठीक हो ना? हाँ। चले। वैसे तुम कहाँ थे? अब मैं वो, हाँ, नवीन से फोन पे बात कर रहा था। कल नवीन और दीप घर पे आ रहे हैं ना, बहुत दिन से मुझसे कह रहे थे कि भाभी से मिला नहीं, भाभी से मिलवा। तो मैंने कहा ठीक है आ जा लंच पे। तो तुम कल घर पे ही रहोगे ना? हाँ मैं घर पे ही हूँ। और अच्छा कि अपने दोस्तों को मिलना भी, मैं भी मिलूंगी। हाँ चले। यार वो पार्टी बड़ी शानदार थी यार। भाई घर तो बहुत आलीशान है। भाई ये घर नहीं, ये महल है, महल पूरा। ऊपर वाले का आशीर्वाद। बैठो ना। मस्त है भाई। यार मस्त है। तो भाई भाभी कहाँ है? वो बस आधी ही होगी। थैंक यू भाई। मेड इतनी खूबसूरत है तो भाभी तो राजकुमारी होंगी। भाई अब सबर नहीं हो रहा, जल्दी से भाभी को बुला दो। अरे बुलाता हूँ, पहले तू पानी तो पी ले। बेबी ये नवीन है और ये दीप। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। नवीन। नमस्ते भाभी। नमस्ते। शेखर ने हम दोनों के बारे में आपको बताया ही होगा। हाँ हाँ बताया है, बहुत सारी बातें बताई हैं। आप लोगों की बहुत गहरी दोस्ती है। जी भाभी जी। शेखर तुम बस पानी ही पिलाओगे या इन्हें बार काउंटर पे भी लेकर जाओगे? हाँ। आप लोग एंजॉय कीजिए, मैं लंच का देखती हूँ। चले। हाँ तुम लोग जाओ, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। वॉशरूम किधर है? एक सेकेंड रितु। सर को वॉशरूम लेके जाओ। चले चल। अच्छा और बताओ बाकी? और बस चल रहा है। तू बता। अरे इस तरफ। रितु प्लीज चिल्लाना मत, तू वाकई बहुत खूबसूरत है यार। जब से देखा है ना मैंने तुम्हें पागल सा हो गया हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें 1 महीने की सैलरी दे सकता हूँ, लेकिन इस दिल में जो आग लगी ना प्लीज उस आग को बुझा दो तुम। प्लीज। ठीक है, आप जो चाहते हैं वो मुझे मंजूर है।
लेकिन अभी नहीं, बाहर से बैठे मेरा तो कुछ नहीं जाएगा पर आपका मजाक बन जाएगा। तो किसी और टाइम। तो आज रात हूँ मैं? आज रात सही रहे। ओके डार्लिंग, आज रात आता हूँ मैं। सला पक्का बेड पे लाइन मार रहा होगा। सही पकड़ो शेखर भाई। आने दे साली को, देख कैसे उसकी टांग खींच। चल भाई, मेरा भी एक पटियाला पैक बना दे जल्दी। अबे यार तेरा हर पैक पटियाला ही तो होता है। ये तेरा पटियाला पैक। एक बात बताओ, जीतू क्या बोल रही थी? अबे तेरे रग रग से वाकिफ हूं मैं, लड़की देखी नहीं कि लाट टपकाना शुरू। अबे मेड है, कुछ तो शर्म कर। भूल गया वो दबली वाला कांड, क्या हाल हुआ था तेरा? भाई वो बात मत छेड़ अभी यार, प्लीज मान जा। ये लवली वाला क्या मैटर है, मुझे किसी ने बताया नहीं। अरे मैं बताता हूँ ना भाई, मान जा ना यार तू। भाई दोस्तों में कहेगी शर्म तो भाई भी, तेरे कंपनी ज्वाइन करने से पहले की बात है। भाई साहब की एक सेक्रेटरी हुआ करती थी, लवली, और ये उस पे ना फुल टू लट्टू, लेकिन वो उसे ना घास नहीं डालती थी। तो भाई साहब ने एक दिन और उसे केबिन में बुलाया और उसके साथ बदतमीजी कर दी। उसने पूरे स्टाफ के सामने जोरदार टक्कर मारा और रिजाइन करके चली गई। ये साला अभी तक नहीं सुधरा है यार। अभी अभी तेरा नेहा से ब्रेकअप हुआ है और तू मैट के पीछे लट्टू हो गया। कमीना है तू। हंसले साले हंसले। वैसे एक बात बता, तुझे अपनी माँ की तो याद आती नहीं? क्यों? क्योंकि तेरी बीवी तेरी माँ की उम्र की है। तेरी माँ का सारा प्यार तो तेरी बीवी दे देती होगी। भाई इतनी जल्दी क्या थी तुझे शादी करने की? वैसे की लालच इतनी थी जिस बुढ़िया से शादी कर ली तूने? तेरी मेड रितु तेरी बीवी से लाख गुना अच्छी है। अगर उससे शादी कर लेता तो तब भी ठीक रहता। जब भी ये अपनी जिस बुढ़िया के साथ निकलता हो ना तो बता क्या कहते हैं, देखो माँ बेटे जा रहे हैं। ठीक भाई, जिसको जो समझना है वो समझ। सच्चाई ये है कि मैं कल्पना से प्यार करता हूँ, कल्पना मुझसे। अच्छा एक बात बता, जो अपने बॉस है ना उसको ऑफिस में क्या कहकर बुलाते हैं? शेखर। क्यों और क्या कहते हैं? शेखर लाल। अब समझ में आया इसे शेखर लाल क्यों बुलाते थे। तूने कहावत सुनी है कि बूढ़ी गोड़ी लाल लगा? इसकी बीवी बूढ़ी गोड़ी और ये इसके पीछे लाल लगा। देख भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कौन क्या सोचता है कौन क्या कहता है। मैं कल्पना से प्यार करता हूँ, कल्पना मुझसे, और जिंदगी गुजारने के लिए काफी है। बहरी हो गई है कि तू? मैंने कहा था तुझे बनाने को, तू कह रही कि मैंने कहा ही नहीं। तुझे अच्छे से पता है कि प्रॉन करी मेरी फेवरेट है, तो क्यों नहीं बनाया? लेकिन मैडम आपने जो जो कहा था मैंने सब कुछ बनाया, आपने प्रॉन करी बनाने के लिए नहीं कहा था। मुझसे पूछ लाती है, कितनी हिम्मत हो गई है तेरी? अरे बेबी प्लीज 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 शांत हो जाओ, इतना गुस्सा अच्छा नहीं लगता है। वैसे भी डिश के लिए अपना बीपी मत बढ़ाओ। आप एक काम करते हम कहीं बाहर चलते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट में, वहां लंच करेंगे, ठीक है? हाँ। पर शेखर वो मेरे साथ आर्गुमेंट कर रही है। छोड़ो ना, जाने दो नादान है। हम एक काम करते बाहर चलते हैं, ठीक है? लेट्स गो। स्माइल, रिलैक्स। छोटी छोटी बातों के लिए इतना गुस्सा अच्छा नहीं लगता है। और क्या, तो हमेशा याद मुझे थप्पड़ मारा है ना, तुझे ये थप्पड़ बहुत भारी पड़ेगा कल्पना मैडम। रितु एक कप कॉफी लेके आना। एक मिनट मैडम रुकिए, आप कमरे में जाइए, मैं कमरे में लेकर आती हूँ। क्यों? अब यहाँ साफ सफाई नहीं की है ना। तू सुधरेगी नहीं ना। अब जाइए, मैं लेकर आती हूँ।
मैडम मैडम जल्दी आइए। शेखर ये क्या हो गया, ये चोट? शेखर तुम ठीक हो ना? वो ऑफिस से बाहर पानी भरा था रोड पर, मुझे लगा पानी होगा पर वहां गड्ढा था, जैसे ही गाड़ी की ओर गया गड्ढे में गिर गया। और तू कहाँ था? मैडम हम तो कार में ही थे, हम जैसे निकले तब तक सर गिर चुके थे। तुम लोगों को सिर्फ बहानेबाजी आती है, जा सांप को लेके जा अंदर। तुम जाओ मैं हल्दी का दूध लेके आती हूँ। बैग कहाँ, गाड़ी में? जी साहब। सर आप आराम कीजिए, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा, मैं तुरंत आ जाऊँगा। सही नहीं किया तूने, धोखा दिया तूने मुझे। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं, ये सच है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कल तुझे उस नवीन के साथ बात करते हुए, काफी लिपट के बातें हो रही थी और रात में मिलने का प्लान भी बनाना तुम लोग का। आया वो? जरूर आया होगा। धोखा मैंने नहीं, धोखा तुमने मुझे दिया है। मैंने? हाँ तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक काम दिया था मैडम वाला, किया तुमने आज तक? एडवांस तो बड़ी जल्दी ले लिया था, क्या हुआ अब? धोखा किसने दिया, मैंने या तुमने? रितु पागल हो गई हो तुम, कहां की बात कहां जोड़ रही हो? देखो जब तक तुम मेरा काम पूरा नहीं कर देते मेरे पास भी मत आना, समझे? ये तू क्यों शोर मचा रहे हो? हाँ सर आप प्लीज इसे बोलिए कि ये मुझसे दूर रहा करे, बेमतलब का चिपकता रहता है। धीरज ये बात समझाना पड़ेगा। सर ये झूठ बोल रही है, ये बड़ी कमीनी लड़की है। सर देखो मुझे तुम दोनों के पछड़े में नहीं पड़ना है, समझ गए? और बाहर तुम लोग क्या करते हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आज के बाद अगर इस घर में पग पग फालतू हुई ना, समझ लेना फिर। सब देखो कुछ ना कुछ चलते रहता तुम लोग का। पर सर मेरी चुप, जाओ गाड़ी निकालो। ये सर सॉरी शेखर, मैं तुम्हारे साथ रह के तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाई, मुझे अर्जेंट काम के लिए निकलना पड़ा। कोई बात नहीं बेबी, मैं तुम्हारा वेट कर लूँगा और जब तुम आओगी तभी केक काटूँगा। अरे नहीं नहीं मैं आज वापस लौट के नहीं आ रही हूँ, मैं कल शाम तक आऊँगी। कोई बात नहीं ना, हम कल बर्थडे सेलिब्रेट कर लेंगे, जब तुम आओगी केक तभी काटूँगा। ओके डन, देन कल मैं जैसे ही आती हूँ हम लोग मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। लव यू, बाय। ओके बाय। कल्पना जी, कल्पना जी,
शर्मा। जी सर। फॉरेंसिक को बुलवाओ जल्दी। आप इनके हस्बैंड हैं? हाँ सर। आप कहाँ थे रात को? सर मैं घर पे ही था, कल्पना किसी इवेंट में गई थी, उसने मुझे फोन भी किया था कि वो शाम तक वापस आ जाएगी, तो पता नहीं था कि ये सब हो जाएगा। कल्पना जी अकेले ड्राइव करते हैं? नहीं सर, ड्राइवर धीरज, कल वो कल्पना के साथ ही था। पर अभी नहीं पता कि वो कहाँ है। बोल क्यों मारा तूने कल्पना को? हमने नहीं मारा साहब मैडम को, हमको तो मालूम भी नहीं मैडम के साथ ये सब हो गया। झूठ मत बोल, तू ही था ना उनके साथ? साहब मैं था, लेकिन मुझे बाद में मैडम ने भगा दिया था वहां से। मैंने शेखर साहब के बाद मैडम से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने भगा दिया था मुझे। साहब मैडम एक बात बोलनी थी आपसे। हाँ बोलो। मैडम हमको लगता है कि रितु आपकी जान ले लेना चाहती है। क्या? हाँ मैडम, उसने आपकी गाड़ी के ब्रेक फेल करने को कहा था कुछ दिन पहले हमसे। तो तुमने मुझे ये बात उस वक्त क्यों नहीं बताई? वो मैडम सॉरी भूल गया मैं। लेकिन मैडम आज जब शेखर सर से हमने बताने की कोशिश की तो उन्होंने हमें डांट दिया। वो हमेशा हमें डांट देते हैं लेकिन रितु को कुछ नहीं बोलते। मैडम हमको तो लगता है कि रितु और शेखर सर के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है। आपसे भी हमारी बुराई करते रहते हैं। उस दिन भी हमारे लिए बोल रहे थे कि हम गाड़ी ठीक से नहीं चलाते, फोन पे बात करते रहते हैं, सब कुछ झूठ था मैडम। अपनी बकवास बंद कर और गाड़ी साइड में लगा। क्या हुआ मैडम? गाड़ी साइड में लगा। हमारे बेडरूम की बातें सुनते और पूछ रहे क्या हुआ? उतर गाड़ी से। और सुन, आज के बाद ना मुझे तेरी शक्ल मत दिखाना, नहीं तो पुलिस में दे दूंगी, समझा? चल निकल। और उसके बाद मैडम खुद अपनी गाड़ी लेकर चली गई थी, फिर बाद में मैं भी अपने घर चला गया था। मैंने नहीं मारा साहब। सच बोल रहा है तू? तूने कहा था तुझको कल्पना की गाड़ी के ब्रेक फेल करने के लिए? हाँ साहब, वो बहुत तंग आ गई थी मैडम से, वो चाहती थी या तो मैडम का एक्सीडेंट हो जाए या फिर वो बीमार पड़ जाए। सर चाय। मैडम की याद आ रही है आपको? अब आपको उन्हें बुलाने में मैं मदद करूं? बस रितु, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, जेल में हवा खाना। अब ये क्या कह रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? हमें शक है कि इसी ने कल्पना का खून किया है। क्यों, तुमने कहा था ना धीरज को कल्पना की गाड़ी के ब्रेक फिल करने के लिए? सर कह रहे थे तुमने? चलो इसे। मैंने मैंने मैडम का खून नहीं किया है, आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सर लेके जाइए इसको, अब हाथ पैर मारने का कोई फायदा नहीं है, जो कहना कोर्ट में कहना। ले चलो। सर मैं सच बोल रही हूँ, मैंने मैडम को नहीं मारा है। अगर तुमने नहीं मारा तो फिर किसने मारा है, बोलो? इन्होंने मारा है मैडम को। ये क्या बोल रही हो तुम? सर ये झूठ बोल रही है, आप लेके जाइए इसको। हाँ सर, मुझे तो लगता था आप मुझसे सच्चा प्यार करते हैं, लेकिन आप तो मुझे जेल भेजवाना चाहते हैं। आप मुझसे छुप छुप कर मिलते थे, मुझसे प्यार भरी बातें करते थे, सब झूठ। कितनी पागल थी जो आप जैसे इंसान को सच समझ बैठी। आ
पागे तुम? इंस्पेक्टर साहब, कल मैडम घर आई थी और इन्होंने उनको मारकर गाड़ी में डाल दिया। आप पूछिए इनसे, पूछिए। सच यही बोलेगा या थाने ले जाकर हड्डियां तोड़ू तेरी? बोल। तू सही बोल रही है, मैंने ही कल्पना को मारा है। कल्पना से मैंने पैसे और दौलत के लिए शादी तो कर ली, कुछ नहीं था, सब मेरा मजाक बनाते थे। बुढ़िया से शादी कर ली, सब हंसते थे मुझ पे, यहां तक कि ऑफिस के कलीग भी मेरा मजाक बनाते थे। अगर मैं उसे तलाक दे देता तो उसकी दौलत से मुझे हाथ धोना पड़ता, इसलिए मैंने उसे मारने का प्लान बनाया। कई बार मैंने उसे बिजली के करंट से भी मारने की कोशिश की। थैंक यू। अरे नहीं यार, कोई पार्टी वार्टी नहीं। हाँ, अरे नहीं, शिखर की वजह से पूरा दिन मूड ऑफ था। पर वो हर बार बच गई। जब कल उसने फोन करके बताया कि वो नहीं आ रही है, खुश होकर रितु के साथ एंजॉय करने लगा, क्योंकि उसने सरप्राइज देने के चक्कर में घर आ गई। शेखर, क्यों कब तक हम ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे? बस कुछ दिन और सबर कर लो रितु, उसके बाद ना उस बुढ़िया से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो ये चल रहा है मेरी पीठ पीछे? मुझे लगा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, कितनी खुश थी मैं, लेकिन तुम मुझे धोखा दे रहे थे। नहीं, 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 तुम जैसा समझ रही हो वैसा। चुप! एक शब्द और नहीं। देख अब मैं तुम दोनों का क्या हाल करती हूँ। पुलिस के हवाले ना कर दिया ना तो मेरा भी नाम कल्पना नहीं। अभी करती हूँ मैं पुलिस को फोन। सर, आपने क्या किया? जान से मार दिया उसको। इसकी लाश में ठिकाने लगाना पड़ेगा, प्लीज मेरी हेल्प करो। नहीं, मैं ये सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। नहीं, मैं पुलिस वुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती सर, प्लीज। अरे नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, कुछ नहीं होगा। फिर तुम्हें मुझसे शादी भी तो करनी है ना, और ये मामला तो जल्दी रफा दफ हो जाएगा। इसके बाद हम शादी कर लेंगे, है ना? चलो फिर हेल्प करो, तुम उधर पकड़ो मैं उधर से, प्लीज। उसको मार के मैंने उसकी बॉडी को गाड़ी में रख दी और गाड़ी को रोड में पार्क कर दी। सुबह और इसकी गाड़ी को ज्यादा दूर नहीं ले जा पाया। सोचा था कि कल्पना के मर्डर का इल्जाम धीरज के सर पे डाल दूंगा, पर इस रितु की लापरवाही के चक्कर में सारा प्लान फेल हो गया। ये जो लालच होता है ना, इंसान की बर्बादी का कारण होता है। तूने लालच में आकर अपनी से दुगनी उम्र की औरत के साथ में शादी कर ली, और फिर इसी लालच के चलते तूने उसको तलाक नहीं दिया, उसको जान से मार दिया। अब इसी लालच के चलते तू जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। अरेस्ट करो दोनों को, ले चलो।